ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। बीते एक हफ्ता यूपी वालों के लिए मौसम के हिसाब से काफी अच्छा रहा, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई, चाहे वो पूर्वांचल का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, पश्चिम यूपी हो, या फिर आप कहिए अवध या गोरखपुर से लेकर जो बॉर्डर है नेपाल का, सटे हुए इलाके पीलीभीत बरेली, इन सब इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। और अब जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, तब भी बारिश उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़रूर हो रही होगी। खासकर अगर हम बात करें, हम नोएडा में शूट करें, तो नोएडा में भी बारिश हो रही है और अच्छी बारिश हुई। कहीं बहुत अच्छी बारिश हुई है, कहीं बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 12 अगस्त का मौसम कैसा रहेगा? क्या 12 अगस्त को भी बारिश होगी या फिर अब मौसम में धूप की नुमाइश भी होगी? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी बारिश की संभावना बरकरार, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। हालांकि बारिश की संभावना पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। आप ये मैप देख सकते हैं, मौसम विभाग जारी करता है। इस मैप में आपको पूरा उत्तर प्रदेश पीले रंग में नजर आ रहा होगा, थोड़े से बादल, काले बादल नजर आ रहे होंगे। ये बादल ये बता रहे हैं, खासकर पश्चिम यूपी के इलाके में, कि बारिश की ज्यादा संभावना इन इलाकों में है जहाँ ज्यादा बारिश हो सकती है। गर्जना और साथ ही साथ बादल जो है वो तड़क भी सकते हैं इन इलाकों में, अगर हम बात करें पश्चिम यूपी की। बाकी उत्तर प्रदेश आपको पीला नजर आ रहा है। हालांकि लखनऊ के मौसम विभाग ने बाकायदा जिलों वाइज बताया है कि कहाँ कहाँ येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट के मुताबिक कि बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है, लेकिन बहुत बारिश हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ना भी हो तो कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जरा उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो वो जिले हैं कौसाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कानपुर, इटावा और औरैया। यानी कि ये खासकर पूर्वांचल के इलाके, से भदोही की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए, जौनपुर की बात कर लीजिए, सोनभद्र की बात कर लीजिए, मिर्जापुर से सटे हुए इलाकों की बात कर लीजिए, तो इस पूरे रेंज में, गंगा के इस बेल्ट में बारिश होने की संभावना ज़्यादा है 12 तारीख को। ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा अभी तक बारिश के इंतज़ार में रहा है। कुछ जगहों पर बारिश हुई है, कुछ जगहों पर बारिश नहीं हुई। ऐसी स्थिति है कि एक जिले के एक इलाके में बारिश अच्छी हो रही है, दूसरे इलाके में बारिश अच्छी नहीं हो रही, पैचेज में बारिश हो रही है। तो अभी भी जो बारिश की संभावना है वो पैचेज में, हो सकता है कि आपके गांव में बारिश ना हो और आपसे 2-4-8-10 किलोमीटर किसी गांव में अच्छी बारिश हो जाए, लेकिन बारिश की संभावना है। और एक बारिश की संभावना की वजह से मौसम में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि बीते दिनों में बारिश के बाद भी उमस खूब रही है, लोग गर्मी का एहसास भी करते रहे, जहां धूप निकली है वहां पर उमस ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन पूर्वांचल के लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि बारिश आ रही है, और इन बारिश से किसान जो हैं वो थोड़े से खुशहाल होंगे, क्योंकि धान की किसानों के लिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है, आपके इलाके में बरसात अभी तक कैसी हुई है? क्या आपके इलाके में सप्ते में बारिश हुई है या नहीं हुई है? इसकी जानकारी अब हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है, कितनी उमस है या उमस से आपको राहत मिल रही है। फिलहाल मौसम की खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।